पुत्र हैं श्रेयांश, उनकी तरफ से एक से एक रुपए मुझे भेंट हुए हैं। मेरे गोविंद हमेशा सुख शांति प्रदान करें, माफी चाहूंगा, ध्यान नहीं रहा। ये तेजवी सिंह भैया जी हैं, उनकी तरफ से एक रुपए भेंट हुए हैं। मेरे गोविंद हमेशा सुख शांति प्रदान करें। राधे राधे, ध्यान रखना। क्या हुआ? छतरी बन गए भगवान उधर। मैया यमुना जी कहीं नहीं जाने दूंगी। भगवान समझ गए पिताजी घबरा रहे हैं, अब इससे अच्छा यह होगा कि मैं अपने पैर लटका दूं। यमुना कह रही हैं जल्दी करो, ऐसे नहीं जाने दूंगी। पत्नी है ना यमुना जी भगवान की, पटरानी। तो उसी समय क्या किया? अरे तब याद रखना, पूजन जल्दी शुरू कर दो। तो उन्हें जब वहाँ पहुंच जाते कम से कम पहुंच तो जान देते, तो वहाँ पूजन करते शुरू। 5 मिनट और बैठ जाओ, बस 5 मिनट और आसन ग्रहण कर लियो। अब वहां पहुंचे हैं तो मैया ये शौर्य बेटा है रिंकू जी और महेश जी के सुपुत्र हैं शौर्य, उनकी तरफ से 51 रुपए भेंट हुए हैं। मेरे गोविंद ने इस बालक को सद्बुद्धि दें, यही मेरी ठाकुर जी से प्रार्थना है।
बोले गोविंद भगवान की। याद रखना, आज भगवान को वहां छोड़ा और भगवान को यशोदा जी के पास सुला करके और वसुदेव जी उस बेटी को लेके आए और ला करके जैसे जेल में पहुंचे, जेल में पहुंचे उधर और जेल के जैसे फाटक थे वैसे ही फाटक बंद हो गए, पहरेदार जाग गए सब, और उसी समय पर चारों ओर बेटी तब तक नहीं रोई, लेकिन जेल में आते ही जैसे ही पहरेदार जागे बेटी बहुत तेज रोने लगी, हल्ला हो गया पूरे में। और उधर मैया यशोदा को नहीं पता के लाला भैया के लाली भैया, ये 51 रुपए महिपाल राघव जी भैया, ये 51 रुपए हमारे जो महिपाल भैया राघव जी जो इस समय नहीं है हमारे बीच में, स्वर्ग के लिए जा चुके हैं, उनकी जो सास जी हैं सासु माँ उनकी तरफ से भेंट हुए हैं। मेरे गोविंद हमेशा आपको दूध को धंधा बनाए रखें। ये बड़े ही दुख की बात है कि भैया आज हमारे बीच नहीं है, होते तो नहीं बढ़ चढ़ करके भाग लेते थे हमेशा वो साथ में, चले गए छोड़ करके हमें, बड़ा ही नेक भाव था उनका, कभी भी नहीं छोड़ा उन्होंने, जहां से कहीं तक भी जाते थे लेकिन हमेशा जाते थे वो मिलने के लिए। मैं ठाकुर जी से प्रार्थना करूंगा जहां भी हो वो सुख शांति से रहें। बोलो गोविंद भगवान की। अर्चना जी हैं उनकी तरफ से 51 रुपए भेंट हुए हैं, रोशनी जी हैं उनकी तरफ से भेंट हुए हैं 101 रुपए। मेरे गोविंद हमेशा इन्हें सुख शांति प्रदान करें। अब ध्यान को वहीं केंद्रित कीजिए, उधर मैया को जैसे ही जो ननद होती है ननद सुनंदा जो बाबा नंद की बहन थी उन्होंने बताया, जाके पहुंची देखा लाला है लाली है, पास पहुंची देखा अरे लाला है ये तो, और भागी बाबा नंद के पास और मैया यशोदा को जगायो। मैया ने कहा ओ मैया ओ भाभी देखे तेरे लाला भयो है, सोई मैया उठ गई एकदम, हमने जानी ना पाई कब है गो। उसी समय पर देखा लाला है, बड़ी प्रसन्न हुई और बाबा नंद से जाकर पहुंची है, मुझे कछु दे दे बाबा क्या दे दूं। बोले बात तो बता क्या हुआ है, बोले लाला जायो है, किसने, बोले तेरे लाला भयो है भाभी के उधर जो है बेटा है। अच्छा हाँ, अरे भैया वृद्धावस्था में बेटा हुआ